part, I am going to explain that how the that photosynthesis and that respiration going on in the plant cells. But ये जो आपके पास इस वीडियो में आज आप ये बताने जा रहे हैं हम कि जो फोटोसिंथेसिस एंड जो रेस्पिरेशन है ये कैसे चलते हैं कम्बाइंडली, हाउ दे वर्क कम्बाइंड इन अ प्लांट सेल्स, ठीक है, ये कैसे काम किए जाते हैं. तो ये एक बहुत छोटी सी वीडियो होगी आपके लिए. इसमें सिर्फ आपको एक पाथ में बताया जाएगा कि कैसे फोटोसिंथेसिस हो रही है और कैसे आपका आप रेस्पिरेशन प्लांट सेल में कैसे परफॉर्म किया जा रहा है, ठीक है, साइमल्टेनियसली कैसे ये वर्क होता है. ठीक है, सबसे पहले देखिए कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ये कार्बन डाइऑक्साइड और क्या है, वाटर है बेटा. ये आपका बेसिकली ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस में, क्लोरोप्लास्ट में क्या होते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं. क्या होते हैं, पिगमेंट, ठीक है. अब ये क्या करते हैं, सनलाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं. क्या करते हैं, सनलाइट को, क्लोरोफिल पिगमेंट सनलाइट को बेटा एब्जॉर्ब करते हैं. उसके बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को मिला के क्या बना देते हैं, ग्लूकोज. क्या बना देते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं. तो ये जो प्रोसेस होता है बेटा इसको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस. क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस में जो मेन रोल प्लेयर है वो है क्लोरोप्लास्ट. कौन है वो, क्लोरोप्लास्ट में क्या है, क्लोरोफिल पिगमेंट. क्या है, ठीक है ना. तो इसमें अगर आपको ध्यान से देखें क्लोरोप्लास्ट में, तो क्लोरोप्लास्ट में बेटा ठीक है जैसे ऐसे होते स्ट्रक्चर होते हैं ये लाइक दिस, ठीक है, ये दीज आर स्ट्रक्चर्स. तो ये इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, थैलाकोइड मेम्ब्रेन. क्या बोलते हैं, ठीक है, ये ग्रैनम भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको, ग्रैनम बोलते हैं. और ये जो खाली स्पेस दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलते हैं, स्टोमा. क्या बोलते हैं, स्टोमा. तो बेटा ये जो ग्रैनम है इसका एक, इसका जो एक अगर आप देखेंगे दिस वन, इसको हम क्या बोलते हैं, थैलाकोइड. क्या बोलते हैं, तो बेटा लाइट रिएक्शन कहां पे हो रही है, ये थैलाकोइड मेम्ब्रेन में. लाइट रिएक्शन कहां पे होती है, थैलाकोइड मेम्ब्रेन में, ठीक है. कहने का मतलब ये जो आपकी फोटोसिंथेसिस है बेटा ये दो पार्ट्स में हो रही है बेटा, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, ठीक है बेटा. लाइट रिएक्शन कहां पे हो रही है बेटा, थैलाकोइड मेम्ब्रेन में हो रही है. और जो आपकी डार्क रिएक्शन है वो कहां पे होती है, स्टोमा में होती है. क्या होती है, स्टोमा में हो रही है. तो ये मुझे आपको ये बताना था कि जो फोटोसिंथेसिस में जो रोल प्लेयर कर रहा है, जो मेन ऑर्गेनेल है वो कौन है, क्लोरोप्लास्ट. क्या है बेटा, तो क्लोरोप्लास्ट में आपके पास क्या हो रही है, फोटोसिंथेसिस की क्या हो रही है बेटा, रिएक्शन हो रही है. उसके बाद क्या बनता है आपके पास, ग्लूकोस एंड वाटर बन गया. क्या बन गया, ग्लूकोस एंड ऑक्सीजन बन गया. अब ये ग्लूकोस ऑक्सीजन फिर कहां जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया. कौन प्लेयर है यहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया. क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या चल रहा है आपका, क्रेब्स साइकिल. क्या चलता है, ठीक है, और साथ में क्या चलता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. क्या चलती है, ठीक है. तो ये बेटा ऐसा है कि माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा दिखाई देते हैं आपको, डबल मेम्ब्रेन है. माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, डबल मेम्ब्रेन है. और ये अंदर का जो मेम्ब्रेन है ये ऐसे ऐसे बेसिकली ये क्वाइल्ड होती है बेटा, इट इज क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, ऐसा क्वाइल्ड होती है अंदर मेम्ब्रेन. तो ये जो देखते हैं ना ये चीज यहाँ पे इस पॉइंट पे, यहाँ पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है. अपने इनर मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पे क्या होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या करती है, एटीपी बनाती है. क्या बनाती है बेटा, एटीपी. कैसे बनाती है, कोएंजाइम से क्या ले लेगी, एंजाइम लेगी. कोएंजाइम से लेके एंजाइम क्या बनाएगी, एटीपी बनाएगी. समझ लगी बात. तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल के साथ में क्या चलती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. उससे क्या बनता है, एटीपी. और फिर माइटोकॉन्ड्रिया से क्या रिलीज होगा यहां पे, फिर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा. क्लियर, इसमें आपको मेन चाहिए है ये याद रखने माइंड सेटअप में कि जो आपके पास फोटोसिंथेसिस है उसमें क्लोरोप्लास्ट मेन ऑर्गेनेल है, ठीक है. और जो आपकी रेस्पिरेशन है उसमें आपके पास मेन ऑर्गेनेल कौन है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया में क्या चलता है, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. ठीक है, थैंक यू बेटा.